नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कितने सुरक्षित धरोहर में। जी हाँ, आज विश्व धरोहर दिवस है तो बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, उन धरोहरों की करेंगे जो कि दुनिया में किसी भी धरोहर से कम नहीं लेकिन फिर भी उपेक्षित हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं उपेक्षा इनकी की जा रही है। हम बात करेंगे उन धरोहरों की जिनका इतिहास पाषाणकालीन है, जहां पर निशानियां मौर्यकालीन, जहां प्रमाण महाभारत और रामायणकालीन है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में उपेक्षित धरोहरों को संरक्षित करने और उसे सहेजने या फिर उसे विकसित करने की कोशिश क्या ईमानदारी से हो रही है। पर्यटन महोत्सव आयोजनों में करोड़ों खर्च करने वाली सरकार सिर्फ उत्सवों तक ही सीमित होकर रह गई है। मसलन मूल धरोहरों को छोड़ संस्कृति विभाग सिरपुर महोत्सव, भौरमदेव महोत्सव, मेनपाट कार्निवाल, चित्रकूट महोत्सव, बारसपुर महोत्सव जैसे आयोजनों तक केंद्रित है और नतीजा यह है कि छत्तीसगढ़ का जो गढ़ है वो ढहने की कगार पर है और निशानियां खत्म होने लगी हैं। संरक्षण करने की और उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को प्रदर्शन करने की क्षमता है, तो यहाँ तो उत्खनन हुआ जिस प्रकार से उत्खनन हुआ सिरपुर में और राजीव में, तो मैंने खुद ही संरक्षण कर दिया, जबकि वो भारतीय पुरातत्व संरक्षण की साइट है। बाकी जगहों में संरक्षण नहीं हो पाया, संरक्षण नहीं होने से साल दो साल दस साल में वो फिर खंडहर हो जाएंगे। धरोहर हमारे पास है, पर दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ भी आज मौजूद है, पर उनकी देखरेख संरक्षण की जो बात होती है उसमें हम काफी अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं। और कारण ये है कि जो ध्यान देना चाहिए, दोनों पक्ष को मैं मान के चलूंगा कि जनता को भी जागरूकता की जरूरत है और प्रशासन को भी अन्य कार्यों से हट करके ये धरोहरों के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। बात चाहे सिरपुर की करें या फिर भोरमदेव की, रतनपुर की करें या बारसुर की, ताल की करें या मल्हार की, राजधानी रायपुर की करें या फिर बालोद खार की, बात छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन नगर तर्री घाट की करें या फिर कवर्धा पचराही की, बात चाहे डीपाडीह की करें या सरगुजा महेशपुर की, हर कहीं धरोहरों के साथ उपेक्षा दिखाई पड़ती है। लेकिन पर्यटन महोत्सव आयोजनों में करोड़ों खर्च करने वाली सरकारें सिर्फ उत्सव तक ही सीमित होकर रह गई हैं। मसलन मूल धरोहरों को छोड़ संस्कृति विभाग सिरपुर महोत्सव, भौरमदेव महोत्सव, मैनपाट कार्निवाल, चित्रकूट महोत्सव, बारसपुर महोत्सव जैसे आयोजनों तक केंद्रित है और नतीजा यह है कि छत्तीसगढ़ का गढ़ ढहने को है और निशानियां खत्म होने को। आज विश्व धरोहर दिवस है तो बात आज छत्तीसगढ़ की धरोहरों की कर रहे हैं, उन धरोहरों की जो दुनिया में किसी भी धरोहरों से कम नहीं है लेकिन फिर भी उपेक्षित हैं। क्यों आखिर उपेक्षा का शिकार हो रही हैं ये धरोहरें और क्यों आखिर सरकार उदासीन बनी हुई है, क्यों समाज के तमाम ठेकेदार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे और क्यों ऐसे लोग जो के लगातार वहां पर पहुंचते हैं और धरोहरों के साथ खिलवाड़ करते हैं वो क्यों नहीं इन्हें सहजने और संवारने का काम करते। सबकी जिम्मेदारी कैसे होनी चाहिए और किस तरह से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सबको निर्वहन करना चाहिए, इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए सीधा रुख करेंगे। रायपुर का रजनी हमारी सहयोगी वहां मौजूद है और वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रजनी, ओवर टू यू। जी देखिए, सबसे पहले तो आज विश्व धरोहर दिवस है और ये एक ऐसा दिन है जो सबके जहन में होना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं हम इस दिन को भुला देते हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो धरोहरों के मायने में छत्तीसगढ़ काफी संपन्न है। यहाँ पे तर्री घाट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा का पूरा शहर खुदाई के दौरान मिला है। सिरपुर में सबसे बड़ा बाजार मिला है, वही एलियनों के होने के साक्ष्य मिले हैं जिसको देखने के लिए खुद नासा से प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हुए थे और कई ऐसी धरोहरें हैं हमारे पास जो विश्व पटल पर छत्तीसगढ़ को एक अलग मुकाम दे सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी की वजह से छत्तीसगढ़ के लोग ही उन धरोहरों के बारे में नहीं जानते हैं, तो आखिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस अनदेखी का कारण क्या है, क्या सरकार
सूचनाएं ठीक तरीके से नहीं पहुंचाती है या लोग भी इन धरोहरों को लेकर सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, क्योंकि धरोहर हमारी है, संस्कृति हमारी है, तो हमें खुद ही जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम अपने धरोहरों के बारे में जाने, उनका प्रचार प्रसार करें, उनका संरक्षण करें। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में किस मायने में जो इतिहास है वो समृद्ध रहा है, यहाँ कौन कौन सी खासियत रही है और उसको लेकर काम क्या किया जा रहा है, जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के प्रयास क्या किए जा रहे हैं और आगे क्या कुछ बेहतरी के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद है, मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगी। मेरे साथ है रविंद्रनाथ मिश्र जी, जो की प्रख्यात इतिहासकार है, लंबे समय से वो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को उन्होंने बहुत ही करीब से देखा है, जाना है और यहाँ पर रिसर्च भी उन्होंने की है। इसके साथ ही मनोज कुर्मी जी हमारे साथ भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ में रहकर काम कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से या कई सालों से कह लीजिए कि छत्तीसगढ़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ पद्मश्री अरुण शर्मा जी भी जुड़ जाएंगे, जो कि कई सालों से छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और कई जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनकी खुदाई में उनका योगदान रहा है, उनके संरक्षण में उनका योगदान रहा है और लंबे समय से वो निष्पक्ष भाव से अपनी सेवाएं देते रहे हैं। तो कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मनोज कुर्मी जी से कि मनोज जी, भारतीय पुरातत्व विभाग यहाँ पे काम कर रहा है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह की ऐतिहासिक धरोहरें हैं और उनका विश्व पटल पर क्या महत्व आप देखते हैं? छत्तीसगढ़ में विविध क्रम की सांस्कृतिक धरोहरें हैं और संपन्नता अधिक है, अभी इसमें बहुत खोज किया जाना बाकी है। अभी यहाँ सिरपुर का नाम लिए, यहाँ उत्खनन से 10-12 साल उत्खनन किया गया, उसमें बहुत सारे अवशेष उजागर हुए हैं, अभी और भी अवशेष दबे हुए हैं, भविष्य में वो भी उजागर होंगे, ऐसी हम लोग कोशिश करते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय पुरातत्व में 45 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं और उन पे काम कर रहा, रख रखाव का काम हम लोग अभी कर रहे हैं और अन्वेषण और संरक्षण का कार्य भी जारी है। इस दिशा में जो नई जानकारी आएगी हम समय समय पर अपने प्रकाशन में देते रहते हैं और अभी हमारा फोकस ये रहता है कि हम लोग अपनी संपदा से लोगों को जन भागीदारी उसमें लाएं। विश्व धरोहर दिवस पे हम यही कहना चाहते हैं कि धरोहर के लिए मतलब हम लोग को उसमें जुड़ाव होना चाहिए। हम भारत सरकार कितना भी प्रयास करे, जब तक जन भागीदारी नहीं होती, जब तक उसका लोगों तक उसका उद्देश्य और उसकी गौरवशाली परंपरा का पूरा बात नहीं पहुंचती है, तो हमें सांस्कृतिक जागरूकता के माध्यम से लोगों में नई पीढ़ी खासकर विद्यार्थियों को ये जागरूक करना है कि विरासत और धरोहर के बारे में जानें, समझें और उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें, क्योंकि धरोहर जो होती है वो आपके ही दादा परदादा ने ही उसमें कहीं ना कहीं योगदान किया। योगदान किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो श्रम किया हो, चाहे किसान रहे हो, तो उनने कारीगर एक अहम बात है। लेकिन इसके साथ ही जैसे कि हमने कुछ जगहों का नाम लिया कि सिरपुर हो या तर्री घाट हो, मल्हार हो, कई ऐसी जगह हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी समृद्ध हैं और लोगों तक उनकी जानकारी है और कुछ जानकारियां सामने नहीं भी आती हैं। ऐसी और कौन कौन सी जगह आप लोगों ने चिन्हित की है, आप लोगों की नजर में है, जो छत्तीसगढ़ को एक पहचान दिला सकती है? छत्तीसगढ़ में सरगुजा में जो आप लोग जानते हैं प्राचीनतम नाटशाला, उसी नाटशाला के क्रम में प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिलते हैं, उस पे अन्वेषण जारी है और ये उस पुरातनता को काफी पीछे तक ले जाती है, यानी मानव के अवशेष, मानव के पद चिन्ह वहाँ पुरातन काल बहुत प्रागैतिहासिक काल से हैं। और भी कई ऐसी जगह बस्तर क्षेत्र में भी हैं जिसमें ये खोज जारी है कि आदमी यहाँ कब से पदार्पण किया था, कितने पुराने समय से वहाँ रह रहा है और उनकी परंपराएं किस तरह से हैं। तो ये एक शोध का विषय, इसमें अनवरत शोध की आवश्यकता है और कई लोग हमारे विद्वान लोग हैं जिसमें शोध कार्य किया है और आगे भी इस दिशा में कार्य किए जाएंगे। रमेंद्रनाथ जी, आपसे जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में आपने लंबे समय तक काम किया है, क्या यहाँ की खासियत आप देखते हैं और क्या कमियां देखते हैं कि लोगों तक वो बात नहीं पहुंच पाती है? जिन धरोहरों को हमने खोज निकाला भी है तो वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है। जैसे अगर हम बात करें तर्री घाट की, तो बिल्कुल वहां पे एक शहर मिला है, वैसा ही शहर जैसा मोहनजोदाड़ो था, ये हड़प्पा की संस्कृति थी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब उसका संरक्षण नहीं हो रहा है, वो खत्म होने की कगार पे है। तो इस पूरे दृश्य को आप किस तरह से देखते हैं? छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम देखें तो एक समृद्ध क्षेत्र है, चारों तरफ जंगलों से, पहाड़ों से घिरा हुआ है, देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मध्य का एक बिंदु है और
और मैं जो एक इतिहास का देवता के नाते समझता हूँ वो ये है कि यहाँ की संस्कृति जो अक्षुण विद्यमान उसका कारण है कि यहाँ पर बाह्य आक्रमण बहुत कम हुए। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आगे तक बहुत सारे अवशेष हमको दिखाई देते हैं, सरगुजा से बस्तर तक या रायगढ़ से डोंगरगढ़ तक। जैसा कि अभी आपने कहा जी ने, रायगढ़ में सिंघनपुर है, कबरा पहाड़ है, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का बहुत बड़ा केंद्र है। रामगिरी के ऐसे जैसे चर्चा करते हैं या कालिदास के मेघदूत की बात वहाँ पे होती है। इन सब से हट करके सिरपुर में मैं काफ़ी 40-50 वर्षों से लगा रहा और देखता हूँ कि वहाँ अभी भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ निकलेंगी। और इसके साथ ही साथ एक सीली पचराही करके जगह है कौरधा में, तो सीली पचराही में भी बहुत सारे पुरावशेष निकले हैं, उसका भी सर्वेक्षण करके हमने माननीय डॉक्टर अमर सिंह जी से चर्चा करके उनके कहने पर ही एक काफ़ी सारा वहाँ पचराही नाम इसलिए पड़ा तो 5 रास्ते वहाँ करके जुड़ते थे मंडला की तरफ से बैया जैसे इस प्रकार से। और इसे यहाँ पे एक खासियत और है कि राजिम के पास में सिरकट्टी नामक जगह है। सिरकट्टी जो है सिरकट्टी नाम इसलिए पड़ा कि बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ पे खंडित है, मध्यकाल में कोई सेना ऐसे निकली थी उन्होंने इस प्रकार का काम किया था। पर उसकी विशेषता हो कि देश का सबसे पुराना एक नदी बंदरगाह है वहाँ पे और पांडुका में जो है, और वो नदी बंदरगाह में वहाँ से व्यापार होता था उड़ीसा और संबलपुर हीरा कुंड, तो ये सब उल्लेख उसमें मिलता है। और खास करके हम देखते हैं कि महानदी के जल मार्ग से छत्तीसगढ़ में व्यापार होता था, रोम के व्यापारी भी संबलपुर वगैरह तक आते थे, ये सब जानकारियां हमको मिलती हैं। हीरा की बात तो अभी भी हम लोगों के सामने है कि यहाँ देवभोग में हीरा निकला है। तो कहने का तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे अभी भी हम देखें तो आरंग है, आरंग में आप देखेंगे तो पुराने शहर की बसाहट अगर आपको देखना हो तो आरंग मिलेगा। आरंग में मुझको आहत सिक्के भी मिले, कुमारगुप्त प्रथम के इकलौता सिक्का मिला, सल्तनत काल अकबर के सिक्के, बहुत सारे पुरावशेषी प्रमाण गुप्तकालीन भी वहाँ पे मिले। तो वह एक जगह राजिम है, राजिम अभी उत्खनन में काफी चीजें, मतलब जहाँ जहाँ पे भी खुदाई हुई है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐतिहासिक धरोहर जरूर मिली है। लेकिन यहाँ पे कमी जरूर देखने को मिलती है कि खुदाई का काम जिस तेजी के साथ किया जाना चाहिए उस तेजी के साथ होता नहीं है। अरुण शर्मा जी भी अक्सर ये कहते हैं कि तीन चीजों की कमी देखने को मिलती है, एक तो खुदाई बहुत कम होती है, दूसरा खुदाई से जो हमें वस्तुएं मिलती हैं उनका हम संरक्षण नहीं कर पाते हैं, और तीसरा कि ये जो खुदाई और उनसे मिली वस्तुएं हैं उनके बारे में आम लोगों तक पहुंचाने के लिए साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो खतरा बनता है वो ये बनता है कि खुदाई के बाद वो सारी चीजें क्या भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है उस तक पहुंच पाएगी, उसको लेकर आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? मतलब खुदाई के बारे में ये कहना है कि खुदाई करना एक धीमी प्रक्रिया होती है, उसमें जल्दबाजी नहीं की जाती और उसको एक उल्टी क्रम से जैसे पन्ने पलटते हैं इसी तरह से परत दर परत हम सभ्यता को पढ़ रहे होते हैं।